लीनियर अलजेब्रा के 1000 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज में ये हमारा लेक्चर 7 है। अगर ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं 8130648819, और अदर सब्जेक्ट्स के भी अगर आपको चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास अदर सब्जेक्ट्स के और रिलेटेड टॉपिक्स के भी हैं, जैसे कि रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस या जो भी आपका है। तो यहाँ पर पूछा है मैट्रिक्स एम हैज आइगन वैल्यू 1 और 4 विद करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर दिस एंड दिस रेस्पेक्टिवली, यानी कि आपको आइगन पेयर दिया है। आइगन पेयर मतलब आइगन वैक्टर, करस्पॉन्डिंग आइगन वैक्टर 1-1 और 4 के करस्पॉन्डिंग 2,1। ये ट्रांसपोज लिया है, यानी कि आप इसको एज ए कॉलम वैक्टर की फॉर्म में आपको समझ सकते हैं इसको। तो आपसे पूछा गया है देन एम इज, किसी भी लैम्डा को आइगन वैल्यू कहा जाता है अगर ए वी इक्वल टू लैम्डा वी, यानी कि जो ए ऑपरेट होकर इस तरह से वी को करता है कि वो उसको स्केल्ड कर देता है, यानी कि वी इस तरह से ए पर ऑपरेट होता है या ए उसको इस तरह से ट्रांसफॉर्म कर देता है कि वो उसको स्केल्ड कर देता है, यानी कि छोटा कर देता है या बड़ा कर देता है एक तरह से सेम उसी डायरेक्शन में, तो हम उसको आइगन वैल्यू कहते हैं लैम्डा को। और यहाँ पर भी जो होता है वो नॉन जीरो वेक्टर होता है। तो यानी कि हम पहले देखेंगे कि किस मैट्रिक्स के साथ 1-1 रखने पर सेम मैट्रिक्स मिलता है, क्योंकि लैम्डा की जगह 1 और सेम वेक्टर, तो वही वेक्टर मिल जाएगा आपको 1-1। तो इसको देखते हैं क्या इससे ये वेक्टर मिलता है। तो -4 + 8 -4 + 8 यानी कि वैल्यू आएगी 4, और जब यहाँ से देखेंगे 5 - 9 तो -4 आएगा। इसमें से अगर 4 आउटसाइड ले लेंगे तो 1-1, तो यहाँ पर लैम्डा 4 है जबकि हमारा लैम्डा 1 है, तो ये नहीं हो सकता है। ऐसे इससे चेक करेंगे तो यहाँ पर 1-1 रखेंगे तो 9 + 8 तो ये 17 हो जाएगा, तो 1 नहीं आ रहा है क्योंकि जो भी कुछ भी आउटसाइड लें यहाँ पर 1 फॉर्म नहीं होगा। ऐसे इसके साथ रखेंगे 1-1, 2-2 0 हो जाएगा, तब भी 1 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट बचता है तो यही होगा, और चेक भी वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1-1 से 3 और -2 यानी कि 1। नेक्स्ट एंट्री देखेंगे 1-2 यानी कि -1, तो यहाँ पर आ रहा है, 1 आउटसाइड ले सकते हैं। ऐसे ही सेकंड वेक्टर को भी आप चेक कर सकते हैं इसके लिए। तो इसकी जो की है 121 की, वो ऑप्शन डी है। लेट ए बी, नेक्स्ट क्वेश्चन, n×n मैट्रिक्स विच इज बोथ हर्मिटियन एंड यूनिटरी, देन आपसे पूछा है कि कौन सा यहाँ पर सही बात है। ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ ही साथ हर्मिटियन और यूनिटरी मैट्रिक्स है। हर्मिटियन और यूनिटरी मैट्रिक्स का मीनिंग हुआ यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए हो जाएगा, ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ये हर्मिटियन के लिए ट्रू हो जाता है। और यूनिटरी के लिए ए और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज आइडेंटिटी देता है। तो अगर मैं इसमें स्टार की जगह ए पुट कर दूं, यानी कि ए इक्वल टू आई, यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, यहाँ पर ए कॉन्जुगेट स्टार की जगह मैंने ये यूज किया 1 को इस 2 में, और मुझे यहाँ पर ये वैल्यू ए स्टार की जगह मैंने ए पुट किया, तो आइडेंटिटी यानी कि ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी ऑप्शन से ट्रू हो जाता है। ए इज रियल, तो एक हर्मिटियन मैट्रिक्स स्क्वायर हर्मिटियन कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 0 (i(-i)0, तो ये हर्मिटियन मैट्रिक्स है ए, और इसका स्क्वायर करने पर क्या आइडेंटिटी मिलता है, तो इसको मैं 2 बार लिख लेता हूँ। तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम i स्क्वायर माइनस रहेगा, और -i² यानी कि 1 मिल जाएगा ये, और ये 0, यहाँ से 0, और ये i² 1। यस, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी मिल रहा है। तो ए यहाँ पर रियल नहीं है, आप देख सकते हैं ये कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स हो गया, तो ये ज़रूरी नहीं है, ऑप्शंस भी डिस्कार्ड हो जाता है। द आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर 0, 1, -1, क्योंकि हम जानते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं वो यूनिट मॉडुलस होती है, और यहाँ पर 0 है, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाता है। अगर आपको ये
लाइन याद भी नहीं रहती है, तो आपको जैसे यहाँ पता है ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी, तो आपको पता है कि कोई भी मैट्रिक्स अपने कैरेक्टर इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आती है वो प्लस माइनस वन, तो आइगन वैल्यू वन होगी या माइनस वन होगी, लेकिन यहाँ पर जीरो दे रखा है तो इसलिए ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। द करेक्टरिस्टिक एंड मिनिमल पॉलिनोमियल ऑफ ए आर द सेम, तो अगर यूनिटरी और हर्मिशियन कोई मैट्रिक्स है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लेते हैं, उसका यूनिटरी और हर्मिशियन यानी कि आई टू ले लेते हैं करेक्ट साइज का, आप आई एन भी ले सकते हैं, तो इस केस में एक्स माइनस वन रेज टू द पावर एन हो जाएगा, और यहाँ पर जो कैर पॉलिनोमियल होगा वो एक्स माइनस वन रेज टू द पावर टू। इस केस में आपका जो मिनिमल पॉलिनोमियल होगा वो एक्स माइनस वन होगा, यानी कि स्मॉलेस्ट पॉलिनोमियल आप कहेंगे, जो इसको डिवाइड भी कर दे अपने कैर पॉलिनोमियल को, साथ ही साथ एनिलेट हो जाए मैट्रिक्स, उसको एनिलेट कर दे, तो यहाँ पर वो मिनिमल पॉलिनोमियल होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक्स माइनस वन मिनिमल पॉलिनोमियल है और एक्स माइनस वन रेज टू द पावर एन वो कैर पॉलिनोमियल है जो कि सेम नहीं है, तो ये ऑप्शन से डिस्कार्ड हो जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन 122 की जो की है वो ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन से स्टेटमेंट आपके करेक्ट है ये आपको बताना है। यहाँ पर कहा है द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द मैट्रिक्स ए एंड इट्स ट्रांसपोज है द सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। तो आप जानते हैं कि एक कैर पॉलिनोमियल निकालने के लिए ए माइनस लैम्डा आई, इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए, और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, यानी कि ए और ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट सेम होता है, इस फैक्ट को यूज करेंगे, तो यानी कि ए माइनस लैम्डा आई इसका ट्रांसपोज इक्वल टू जीरो होगा, और यहाँ से मिलेगा ए ट्रांसपोज माइनस लैम्डा आई, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वही होता है। तो ए का और ए ट्रांसपोज का जो कैर पॉलिनोमियल होता है वो सेम होगा, सिमिलर मैट्रिसेस, तो ये करेक्ट हो गया, सिमिलर मैट्रिसेस हैव नॉट द सेम करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आइगन वैल्यू सेम होती हैं, तो उससे हम कैर पॉलिनोमियल लिखेंगे तो वो भी सेम ही आएगा। ट्रेस, क्योंकि आइगन वैल्यू सेम है तो ट्रेस भी सेम होगा, तो यहाँ पर कहा है नॉट सेम, इसलिए गलत हो जाता है, ये भी गलत हो जाता है, नॉट द सेम। द डिटर्मिनेंट ऑफ टू सिमिलर मैट्रिसेस आर नॉट सेम, क्योंकि उनके आइगन वैल्यूज यानी कि आइगन रूट सेम होते हैं और उनका प्रोडक्ट भी सेम होगा, तो डिटर्मिनेंट सेम होगा, तो ये वाली बात भी गलत है। यहाँ पर आपसे नेक्स्ट में कहा गया है द रैंक ऑफ 3x3 मैट्रिक्स सी फाउंड बाय मल्टीप्लाइंग अ नॉन जीरो कॉलम मैट्रिक्स ए, यानी कि जो सी है वो ए और बी के प्रोडक्ट से आ रहा है, जिसका साइज 3x1 और बी का जो साइज है वो 1x3, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के इनर वैल्यू सेम है तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, और जो आउटपुट आएगा वो 3x3 का आएगा, जो उसने यहाँ पर लिख भी दिया है जो सी है। तो आपको बताना है रैंक ऑफ सी, आपको सी की रैंक बतानी है, तो आप रैंक के बारे में क्या जानते हैं कि रैंक ऑफ प्रोडक्ट जो होता है वो मिनिमम होता है रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, दोनों की जो मिनिमम वैल्यू होगी रैंक की वो उसकी पॉसिबल रैंक हो सकती है, ठीक है, तो प्रोडक्ट में ये होता है रूल, और रैंक ऑफ ए अपने ऑर्डर से ज़्यादा नहीं हो सकती है, यहाँ पर 3x1 है तो 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, यानी कि mn से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो 1, ऐसे ही बी ये भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, तो मिनिमम इसका 1 आएगा, तो रैंक 1 होगी या 1 से लेस देन होगी, लेकिन 1 या 1 से लेस उसमें वैल्यू 0 आ सकती है, 0 0 मैट्रिक्स की रैंक होती है, डिफाइन है, और यहाँ से नॉन जीरो कॉलम वेक्टर है ये ए, और यहाँ पर बी भी नॉन जीरो है, तो इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो भी समहाउ नॉन जीरो ही आएगा, क्योंकि रैंक 1 है, तो एटलीस्ट एक एंट्री ऐसी होगी जो आपको नॉन जीरो होगी, और ऐसे बी की भी एक नॉन जीरो एंट्री होगी ही होगी, तो इसका जो प्रोडक्ट है वहां से आपको नॉन जीरो मिल सकता है, क्योंकि डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा।
रैंक वन इस केस में, इफ ए इक्वल टू दिस देन टी इनवर्स एपी इज, तो यानी कि ए जो है वो इस सिमिलर मैट्रिक्स के बराबर होगा, यानी कि दोनों को हम सिमिलर कह सकते हैं। तो और सिमिलर मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज सेम होती है, उस फैक्ट को हम यूज करेंगे, वो ट्रेस भी सेम होता है क्योंकि आइगन वैल्यू सेम, तो ट्रेस और डिटरमिनेंट सेम। यहाँ पर आप देखेंगे जो ए का ट्रेस है 1, 4, 5, -5, तो यहाँ पर 0 है ट्रेस, और जो ये मैट्रिक्स होगा उसका भी ट्रेस 0 होगा। तो 0 किस किस केस में है तो वो देख लेते हैं हम। तो इस केस में -2, -2, 4 यहाँ पर 0 है तो ये पॉसिबल हो सकता है। यहाँ -4, -4 यहाँ पर 0 नहीं है तो ये पॉसिबल नहीं होगा। यहाँ पर पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगा। तो ए और सी ऑप्शंस में से कोई एक ट्रू होगा। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे कि इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या है। तो यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं। 1, 1 से लेंगे तो -20 और ये +18, तो यहाँ से -2 आएगा, -3 तो यानी कि +3 हो जाएगा, और 3, 4 इज 12, -18 तो +3, और ये -6 यानी कि -18, और यहाँ पर मिलेगा 3 तो -18 +30, 18 प्लस -18 प्लस 30 यानी कि 12, और 12 3 36, 36 यहाँ से वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव। तो ये 20 और ये 16 यानी कि पॉजिटिव 16 है। तो अब आप देखेंगे जो इसके आइगन वैल्यूज हैं वो -4, 2, 2 है, इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव पॉसिबल हो नहीं सकता क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है, और नेगेटिव नेगेटिव टर्न्स टू पॉजिटिव, और इनका प्रोडक्ट करेंगे 2, 2 जा 4 और 4, 4 जा 16, तो ये आ रहा है, ये ट्रू हो जाएगा। इस यहाँ से जो है ट्रेस भी 0 और डिटर्मिनेंट 16 फॉर्म हो रहा है, तो ये जो पी इनवर्स ए पी होगा वो इस तरह से होगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए एक क्योंकि इसके जो आइगन वैल्यू आएंगे वो आप देखेंगे डिस्टिंक्ट आएंगे, और फिर उसके लिए एक नॉन जीरो मैट्रिक्स पी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, और वो आप पी निकालेंगे और फिर इसको इस तरह से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, लेंथी प्रोसेस हो जाएगा। उसको हम क्या बोलते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है वो इसके सिमिलर है, तो इसके आइगन वैल्यूज और आइगन ट्रेस और डिटर्मिनेंट सेम होगा, और उस फैक्ट को यूज करके हमने इसको डिस्कार्ड किया। नेक्स्ट में आपसे कहा गया है द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस, एक ये बहुत ही लार्ज मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है। अगर आप माइनर फॉर्म मतलब माइनर के मेथड से जाएंगे तो आपको बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि डिटर्मिनेंट तो स्क्वायर का ही निकलता है, तो 6 बाय 6 है। और अगर इस तरह से अगर कोई भी मैट्रिक्स होती है कि उसके डायगोनल में और जो हैं वो सेम एंट्री रिपीटेड हो रही है, जैसे 1, 1, 1 यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर 2, 2, 2, तो इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो a² - b² रेज टू द पावर n/2, जहाँ पर n क्या होता है ऑर्डर, यानी कि 6 है तो 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1, b की वैल्यू आपकी 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और इसकी वैल्यू 3, तो -3 रेज टू द पावर 3, तो यहाँ से आपको -27 मिल जाता है। लेकिन अगर किसी भी स्टूडेंट को अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है या वो समहाउ यहाँ पर 3 फॉर्म कर दे या कोई भी एंट्री चेंज कर दे, सिर्फ एक एंट्री, तो एक तो देखने में भी धोखा लग सकता है और आप मिस्टेक कर जाएं, और यहाँ पर अगर वो एक एंट्री चेंज कर दे तो तब इसका डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें आप क्या आपको क्या करना है कि ये जो आपका मैट्रिक्स है इसको लोअर ट्रायंगुलर में आप इसको रिड्यूस कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट का यूज करके हम इसको 0 कर सकते हैं, यानी कि फर्स्ट एक तरह से वेरिएबल को एलिमिनेट कर दिया आपने, अदर एक सिस्टम समझकर इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यहाँ पर 0 फॉर्म कर लेंगे,
ए आर ओज लगा के एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, ऐसे इसको जीरो बनाने के लिए इसका यूज कर लेंगे और इसको जीरो बनाने के लिए इसको, तो यहाँ पर एंट्री चेंज हो जाएगी। तो यानी कि फर्स्ट थ्री एंट्रीज तो सेम रहेगी और ये लास्ट थ्री एंट्रीज, क्योंकि इन तीन रोज पर हम काम करेंगे, तो ये एंट्री चेंज हो जाएगी। तो यानी कि जो डिटरमिनेंट है बेसिकली इन तीनों का प्रोडक्ट ही होगा। तो वहां से भी हम कर सकते हैं, तो मैं एक बार करके देख लेता हूँ। तो फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे और लास्ट से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, तो क्या चेंज होगा, 100002 010020 001। एक्चुअली यहाँ पर मैं 2 ही ले रहा हूँ, अगर 3 लेंगे तब भी या कुछ भी आए यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रहेगा सेम ऐसे ही। तो मैंने जब इसमें अप्लाई किया तो मैं लास्ट लिख रहा हूँ पहले 0 0, बाकी सब 0 हो जाएगा। यहाँ पर 4 4 1 -4 यानी कि -3, यहाँ पर -3 हो जाएगा। जब मैं इसको यूज करूंगा सेकंड को आर टू को और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई कराऊंगा आर टू को और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और बाकी यहाँ पर चेंजेस आएगा क्योंकि ये तो एंट्री 0 है यहाँ पर भी, तो 0 0 और यहाँ पर 1 -4 यानी कि -3। और जब मैं इसमें यूज करूंगा तो यहाँ पर 0 0 और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर क्या आएगा, -3 -3 0 0। तो आपने देखा है इस तरह से ये एक लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट, अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट हो गया है। और अपर ट्रायंगुलर या किसी भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यू होती है वो उसका डायगनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट ही होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं -3 -3 -3 और टाइम्स माइनस है तो निगेटिव में आएगा, 3 3 9 और 9 3 27, यहाँ से भी आपने निकाल लिया। तो अगर फॉर्मूला पता है तो भी अच्छी बात है, नहीं पता है तो भी आप इस तरह से कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे और आपको इसी पैटर्न के एक क्वेश्चन आपसे जैम में भी पूछा गया था, जैम 20 में, कि आपको निकालना है 8i-m रेज टू द पावर 3, इसका डिटरमिनेंट। आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स m दे रखा है जो लार्ज साइज का है, तो लार्ज साइज का और एक मैट्रिक्स है और इस फिर इसका डिटरमिनेंट निकालना है। तो सम हाउ स्टूडेंट वहां पर मतलब डर जाते हैं कि कैसे कैलकुलेट करेंगे। एक्चुअली आप 8 को सॉरी m को, मैट्रिक्स m जो है उसको लोअर ट्रायंगुलर या अपर मतलब कन्वर्ट कर दीजिए ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में और उसके आइगन वैल्यूज आपको मिल जाएगी। फिर आइगन वैल्यू जब आपको मिल जाती है तो इसका डिटर 8i-m के आइगन वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं सब्ट्रैक्ट करके, और फिर जो आइगन वैल्यूज आपको 8i-m की मिली जहाँ पर, फिर आप a रेज टू द पावर n, इसका जो डिटरमिनेंट होता है a का डिटरमिनेंट रेज टू द पावर n, इस फैक्ट को यूज करके आप यहाँ पर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है, इफ लैम्डा आइज आर आइगन वैल्यूज ऑफ मैट्रिक्स ए देन ट्रेस। तो अगर आइगन वैल्यूज हैं तो ट्रेस क्या होता है, उनका सम। तो यहाँ पर सम यहाँ पर है, यहाँ पर क्या है स्क्वेयर है और यहाँ पर 1/1 है, यानी कि 1/1 दिस प्रोडक्ट क्या हो गया, ए इनवर्स। यहाँ पर प्रोडक्ट है तो ये डिटरमिनेंट हो गया, ये ए इनवर्स का डिटरमिनेंट हो जाता है और ये आपका कुछ नहीं है यानी कि उनका स्क्वेयर है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ट्रेस वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ साइज 3 सच दैट डिटरमिनेंट 6 और ट्रेस 0, यानी कि जो इसका डिटरमिनेंट है वो 6 है और ट्रेस 0 है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए प्लस आइडेंटिटी इक्वल टू 0 वेयर आई इज करेक्ट साइज देन आइगन वैल्यूज ऑफ ए। तो आप पहले देख लेंगे कि कौन ट्रेस 0 दे रहा है, तो यहाँ पर एक नेगेटिव है तो ये ट्रेस 0 नहीं दे रहा है, तो ये नहीं हो सकता है, ये भी 0 नहीं दे रहा है, ये नहीं हो सकता है, 1 3 ये 0 दे रहा है और ये 0 दे रहा है। तो यहाँ पर आपके दो पॉसिबिलिटी हैं सी ओ डी। अब हमें कंफर्म करना है कि सी ओ डी में कौन सा करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पर देखें,
सिक्स कौन दे रहा है, तो यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगी, -6, लेकिन जो जबकि हमारा पॉजिटिव है, तो यहाँ से पॉजिटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव, तो यहाँ से ये ऑप्शन से डी ट्रू हो जाएगा और ये आपका डिस्कार्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा है ए बी एनी मैट्रिक्स, ए कोई भी मैट्रिक्स है तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट अ नंबर, कौन नंबर को रिप्रेजेंट करता है। अगर ए मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स अगर उसका एग्जिस्ट करता है तो वो भी मैट्रिक्स ही होगा, तो ये तो नंबर को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये एक अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एडजॉइंट ए ये भी एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रैंक, रैंक एक नंबर होता है, यानी कि एक ऐसा नंबर जिसका डिटरमिनेंट 0 होता है, यानी कि अगर उसका सब मैट्रिक्स, उस ऑर्डर का सब मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, और वो जो मैट्रिक्स होता है लार्जेस्ट नॉन जीरो मैट्रिक्स होता है। और यहाँ पर ए यानी कि मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स अरेंजमेंट को यानी कि रैंक एक नंबर को रिप्रेजेंट करता है, तो ऑप्शन यहाँ पर सी ट्रू हो जाएगा। यहाँ पर आपसे कहा गया है ओमेगा जो है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सच दैट ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1, ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 इफ ए इक्वल टू दिस, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। ए इज इनवर्टिबल, इनवर्टिबल चेक करना है यानी कि इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेते हैं, डिटरमिनेंट चेक करने से पता चल जाएगा अगर नॉन जीरो है तो करेंगे 1, तो यहाँ पर ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, तो मैं लिख रहा हूँ इसका जो डिटरमिनेंट है 1 ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी कि यहाँ से तो 0 हो गया ये, प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये मिलेगा ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 4, ओमेगा क्यूब 1 हो जाता है तो 1 माइनस ओमेगा, और यहाँ से मिलता है ओमेगा आउटसाइड ले लिया तो यहाँ पर 4 हो जाएगा, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से आप लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, और ओमेगा क्यूब यहाँ पर क्या होता है 1, तो यहाँ पर ओमेगा आएगा और 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ से ये मिला हमें वैल्यू, अगर इसको एक्सपेंड कर देते हैं डिस्ट्रीब्यूटिविटी से तो ओमेगा माइनस ओमेगा क्यूब और यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाते हैं और ओमेगा क्यूब का वैल्यू भी 1, तो 1 माइनस 1 ये भी 0 हो जाता है, तो यानी कि ए इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि उसका डिटरमिनेंट 0 है, और डिटरमिनेंट 0 है तो इसकी जो रैंक है वो 3 भी नहीं हो सकती है, तो रैंक अब आप 2 होगी या 1 होगी, तो ये ऑप्शंस भी ट्रू सॉरी गलत हो जाता है, ये हमारे लिए डिजायर्ड नहीं है। रैंक क्या तो 2 होगी या 1 होगी, क्योंकि यहाँ पर नॉन जीरो एंट्री है तो 0 तो हो नहीं सकती, तो 1 और 2 में चेक करेंगे, ये एक आप देख रहे हैं सब मैट्रिक्स हमें मिल रहा है जिसका डिटरमिनेंट ओमेगा माइनस ओमेगा रेज टू द पावर 4, यानी कि ये मिला है ओमेगा क्यूब ओमेगा, तो यहाँ से 0 मिल रहा है, क्या हमें यहाँ से मिलेगा ओमेगा स्क्वायर, ये एक सब मैट्रिक्स ओमेगा क्यूब माइनस ओमेगा, यहाँ पर 1 माइनस ओमेगा, तो ये यहाँ पर एक हमें सब मैट्रिक्स मिल रहा है जिसका जो डिटरमिनेंट है वो नॉन जीरो है, तो रैंक 2 हो जाएगी, एक नॉन जीरो एग्जिस्ट करे, 0 इज एन आइगन वैल्यू, क्योंकि डिटरमिनेंट 0 है तो अगर इसका हम आइगन वैल्यू देखेंगे तो प्रोडक्ट जो है वो तभी 0 आएगा जब उनमें से एक 0 होगा, तो 0 इज आइगन वैल्यू ऑफ ए, तो ये बात आपकी सही है। देयर एग्जिस्ट लीनियरली डिपेंडेंट वैक्टर्स वी एंड डब्ल्यू बिलोंग्स सी क्यूब, यानी कि कॉम्प्लेक्स से आ रहा है, सच दैट ए वी इक्वल टू ए ओमेगा इक्वल टू 0, तो क्योंकि रैंक आपके यहाँ पर 2 है, रैंक 2 है तो नलिटी इसकी 1 हो जाएगी, नलिटी 1 हो गई यानी कि एक ऐसा नॉन जीरो वैक्टर या जीरो वेक्टर है जो इसके नल स्पेस में है, वहां पर सिर्फ एक ही है, और यहाँ पर कहा है दो वेक्टर देयर एग्जिस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स जो ए वी इक्वल टू ए ओमेगा इक्वल टू 0, यानी कि दो वेक्टर जो नल स्पेस में इसके चले जाएं जबकि एक ही वेक्टर जाएगा नल स्पेस में, तो यहाँ पर जो बेसिस में एक जाएगा
तो यहाँ पर लीनियरली इंडिपेंडेंट दो नहीं हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रैंक दो है आपकी। तो यहाँ पर जो करेक्ट चॉइस थी 130 की वो बी और सी हो जाती है। तो यहाँ पर लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। आगे आपसे कहा है